सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो मेरे चैनल पर, यानी किशोर कुमार बैनर्जी पर। और जैसा कि आपने YouTube थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करेंगे लाइट पे। और अब आप देख पा रहे हो कि ये है नॉर्मल ट्यूब लाइट का लाइट जो आ रहा है, तो डार्क कितना है एनवायरनमेंट। और हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा अगर हल्का में हम लाइट बना पाए, क्योंकि ज्यादातर वो कॉस्टली हो जाता है हमारे लिए। समवट अराउंड 1 to 2000 में मिलता है लो रेंज के लाइट्स, और 5 to 10 के में मिलता है ज्यादा हाई रेंज के लाइट्स। तो वो हमारे जैसे स्मॉल यूट्यूबर्स के लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो मैंने एक चीज किया है, मैंने एक होममेड सॉफ्ट बॉक्स कहते हैं हम उसे, तो लाइट जो कि है वो बनाया है घर में, बेसिकली पीस बोर्ड और हर तरीके की चीज से, एल्यूमिनियम फॉयल एंड अदर चीज से। तो यूट्यूबर्स जो लोग देख रहे हो, सब्सक्राइबर्स जो हो मेरे यहाँ मेरे चैनल पे, तो उन्हें कहूँगा कि आप देखो ये वीडियो एंड तक, क्योंकि इसमें मैंने उसी तरीके से बनाया है ये सॉफ्ट बॉक्स। 2 दिन लगा मुझे बनाने में बेसिकली, क्योंकि मैं काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पीस बोर्ड से बना हुआ है बेसिकली। सो देखो किस तरीके से बना है, और लाइट का मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देख पा रहे हो मुझे विदाउट लाइट्स, जो एक लाइट है बस इस साइड ट्यूब लाइट से आ रहा है, और नॉर्मल कोई लाइट नहीं है। तो देखो अभी मैं आपको लाइट से दिखा रहा हूं कि किस तरीके का डिफरेंस गिरता है। तो चलिए देख लेते हैं 1, 2, 3। अब देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं हूं अब विद लाइट्स, इस साइड से लाइट आ रहा है बेसिकली, और मैंने वो बनाया है। तो आगे चलते हैं और देखेंगे ये वीडियो, और सीखेंगे हम लोग एक साथ कि कैसे होममेड यूट्यूब लाइट या सॉफ्ट बॉक्स हम बना सकते हैं। और ये नॉर्मल दूसरों के लिए भी अप्लाई होता है, सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं। जो लोग को लाइट्स का जरूरत है, किस तरीके से बना ले सकेंगे जो अच्छा रहेगा, फुल अच्छा कवरेज रहता है इस लाइट का, रेंज बहुत अच्छा है इस सॉफ्ट बॉक्स का। और एक चीज कहूंगा कि जो यूट्यूबर्स पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ताजा तरीन वीडियो लाता रहता हूँ। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैंने ये सॉफ्ट बॉक्स कैसे बनाया, तो हम लोग मिलके आज हम बनाएंगे ये चीज। तो चलिए देख लेते हैं वो चीज। पहले दोस्तों देख लीजिए क्या क्या लगने वाला है। यह है पीस बोर्ड बेसिकली, ये आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा, माल वो लोग लाते हैं जहाँ से बिस्किट का पैकेट वैकेट लाते हैं वहाँ से मिल जाएगा। तो ये पीस बोर्ड लगेगा आपको। फिर नेक्स्ट आपको लगेगा ये है एल्यूमिनियम फॉयल का बॉक्स बेसिकली। खुद अगर आपके वहाँ छुट्टा मतलब खुला मिल जाता है तो वो खुला ले लीजिएगा आप, मगर मेरे यहाँ कलकत्ता में ये पूरा रोल के माफिक मिलता है, पैकेट लेना पड़ता है, तो मैंने पैकेट ले लिया है। और लगेगा यहाँ ट्रेस पेपर 4 रुपये का है ये, तो ये मैंने लाया है। तो 40 रुपये का था ये एल्यूमिनियम फॉयल बेसिकली। और ये 10 रुपये का कटर है, वो लगेगा आपको। ये 10 रुपये का ब्लैक टेप बेसिकली, और स्टील ग्रिप से है। और यहाँ देखिए होल्डर, ये टोटल लगा, ये इस तार का 1.5 मीटर का तार है, 8 रुपये जैसा लगा, और ये 10-10 रुपये का होल्डर और प्लग नॉर्मली लगा है। तो और इधर आप देख पा रहे हो कि ये है फिलिप्स का 9 वाट का LED लाइट है, तो ये करीब 110 रुपये पड़ा मुझे कलकत्ता में। और इधर है फेविकॉल एक लगेगा, क्योंकि हमें जोड़ना है बहुत कुछ, तो ये है 20 रुपये लगा इसमें। और इधर लास्ट ये है सेलो टेप, ये मुझे 35 रुपये लगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है चौड़ाई में, देखिए थोड़ा बड़ा है, तो ये हमें लगेगा। तो ये सारे चीज़ बेसिकली लगेंगे। तो पहले मैं दिखाऊंगा कि पीस बोर्ड को कैसे हम काटेंगे, आपको साइजेस में बताने वाला हूँ, चलिए देख लेते हैं वो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक मैंने काट लिया है बेसिकली, ऐसा बनेगा। और आपको दिखाता हूँ साइजेस कैसे मैंने सेट किए हैं, वो दिखा दे रहा हूँ।
चलिए रियर कैमरा पे दिखा देता हूँ आपको साइजेस कैसे बने हैं। तो ये देखिए मैंने साइजेस पेंसिल से काटे हुए हैं, ये इसी साइज का है। तो इस साइड जैसे कि इस साइड का था 15 सेंटीमीटर का मैंने बनाया था और इस साइड का 30 सेंटीमीटर का है और इस साइड 35 सेंटीमीटर जैसा बना है सीधा वाला। तो ये है 15 सेंटीमीटर का, ये दोनों 30 सेंटीमीटर का बना है और ये है 35 सेंटीमीटर का लगभग। तो काटूंगा और चार पीसेस में काटना है, चार पीसेस में बनाना है चीज़ को। तो काट के मैं दिखा रहा हूँ उसके बाद क्या करना है। ये देखिए 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर इधर और उस साइड 35 सेंटीमीटर जैसा का बना रहा हूँ मैं। काटना है, दो मैंने काट लिए हैं अभी तक, दो काट लिए हैं और दो काटना बाकी है। दोस्तों अभी बस इन सबको एक साथ जोड़ना है, ये मैंने ऑलरेडी दिखाया बनाया था। अब इन सबको एक साथ जोड़ेंगे और अपना सेट बनेगा सॉफ्ट बॉक्स। तो पहले जोड़ लेते हैं इसको सेलो टेप से और उसके बाद आपको बताते हैं कैसा दिख रहा है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने चारों तरफ सेलो टेप लगा दिया है और ये बन गया है ऐसा देखने में, चारों साइड से सेलो टेप लगा दिया है। तो ये अब ऐसा कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो ऊपर बैठेगा अब एक कवर जिसपे होल्डर रहेगा, वो भी मैंने बना लिया है चारों तरफ से। देखिए दो पीस बोर्ड लिए हैं बेसिकली और थोड़ा सा बड़ा लिया है नॉर्मली उससे, और यह जैसे कि होल्डर को भी फिट कर दिया, बीच में एक होल करके होल्डर को फिट किया है दोनों साइड अब देख पा रहे हो। तो अब इसको यहाँ बिठा के इसके साथ अटैच करना है, तो अभी वो ही करने वाला हूँ और होल्डर को थोड़ा टाइट भी कर दूंगा, यह ब्लैक टेप लगा दूंगा, तो वो आप देख पाओगे धीरे धीरे। तो आगे बढ़ते हैं और ये काम करते हैं, पहले ब्लैक टेप लगाते हैं और इस साइड फिर से बैठ जाएगा एल्युमिनियम फॉयल ही, क्योंकि ये भीतर जाएगा इसीलिए। तो ये सारा काम करते हैं और आपको दिखाते हैं उसके बाद। अब दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि ये एल्युमिनियम फॉयल अब बन चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब बस इसे बैठाना है ऐसे और पेस्ट कर देना है, सेलो टेप फिर से लगा देना है चारों तरफ, बस हो जाएगा। तो देखते हैं वो लगा के उसके बाद कैसा दिख रहा है, फिर ट्रेस पेपर का काम होगा, वही लास्ट काम है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने ट्रेसिंग पेपर लगा दिया है अभी और बन चुका है हमारा सॉफ्ट बॉक्स यूट्यूब लाइट, जो हम नॉर्मल स्मॉल यूट्यूबर्स घर में बना के यूज़ कर सकते हैं, लाइट की कमी जो रहती है उसे पूरा करने के लिए। मैं लाइट चला के दिखा देता हूँ आपको एक बार, तो रुकिए साइड ले लेते हैं, फोकस करूँगा इस साइड क्योंकि डार्क है उस साइड, और फिलिप्स का ये बल्ब का कवर हम यहाँ रख देते हैं, फिर आप देखोगे कैसा दिख रहा है बेसिकली। यहाँ जैसा कि देख पा रहे हो मैंने रख दिया है और अब मैं जला रहा हूँ लाइट। ये देखिए ये लाइट जला के ऐसा हुआ है, ये है बेसिकली लाइट जलाने के बाद का इफेक्ट। बंद कर दूं तो आपको ऐसा दिखाई देगा। एक लाइट मेरे कैमरे का भी है ये, अगर इसे बंद कर दूं तो ऐसा दिखेगा साइड, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अंधेरा दिखाई दे रहा है, वो साइड आपका
लाइट जला लेने से थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा क्लियर हो जाता है। ये रहा लाइट, बेसिकली जब जल रहा है इस तरीके का दिखता है।